लेगा कि अगर दो टेंस आप कर लेते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ये नहीं है कि जस्ट ये दो फिक्रे, कहने का मतलब ये कि कुछ हिस्सा सिंपल भी आता है, इसमें कॉन्टिन्यूस भी आता है और परफेक्ट भी आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आता है। जब आप इसमें सारी चीजें कर लोगे तो आपका इसमें 100% चांस है कि आपका पैराग्राफ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आपको वर्ब की फॉर्म होती है, आपको फार्मूले फिंगर टिप्स पे याद हो। फार्मूला याद नहीं है तो टेंस नहीं बनेगा, बेशक जितना मर्जी आसान टेंस आ जाए, अगर आपको पता ही नहीं है कि चुका था चुकी थी में क्या लगना है तो आप हो ही नहीं सकता कि आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो। सबसे पहले सिंपल पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल वो होता है जिसमें जीरो एक्शन होता है। जीरो एक्शन का मतलब ये है, मैंने पहले भी बताया था कि उसमें मेन वर्ब नहीं होता। मेन वर्ब कौन से होते हैं, जैसे कि गो, गो वेंट गोन, ये मेन वर्ब है, या फिर टीच टॉट टॉट, ये मेन वर्ब है। तो इसमें मेन वर्ब नहीं होती, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और इसका फार्मूला सिंपल का होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब के साथ नाउन या एडजेक्टिव। अब वाज किसके साथ आता है, वर्ब किसके साथ आता है, आई ही शी इट और सिंगुलर के साथ क्या आता है, वाज, यू वी दे और प्लूरल के साथ लगता है वर्ब, जमा, प्लूरल यानी जमा और सिंगुलर यानी सिंगल हुए भी वाइन में। पहला सेंटेंस देखें कि मैं डॉक्टर था, आई वाज अ डॉक्टर, ये एक स्टेट है, डॉक्टर होना स्टेट, रियासत नहीं, स्टेट का मतलब होता है हालत, ये एक स्टेट है कि वो एक डॉक्टर था, वो एक चोर था, इसमें मेन वर्ब नहीं है, जीरो एक्शन है। आई वाज के बाद नॉट लगेगा, आई वाज नॉट अ डॉक्टर, और वाज आई अ डॉक्टर इसके बाद स्वाइन चल। एक टर्म यूज होती है इंग्लिश में चेन एंड चॉइस, चेन एंड चॉइस, ये चेन है आपकी, एस वी ओ एक चेन है कि पहले सब्जेक्ट आता फिर वर्ब आता फिर ऑब्जेक्ट आता, ये चेन है। आई को आप चेंज करोगे तो चॉइस आपको लगानी है, आई के साथ वाज लगा, अगर आप दे लगाते हो दे के साथ वर्ब लगेगा, फिर वहां पे आपने चॉइस करना, चेन तो एक चलती आ रही है कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अब आपने चॉइस करनी है कि हमने दे लगाया है यहाँ पे, चेन के अंदर हमारा दे आया तो उसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, वर्ब में कन्वर्ट हो गया। सिंपल का यही फार्मूला है कि एक स्टेट होती है, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं होता, मेन एक्शन नहीं होता, सिंपल होता है। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट, इसका अक्सर जो हम उर्दू में इसकी पहचान रखते हैं वो करते हैं हम करता था करती थी करते थे, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है। बोल मत कर रहा हूं, करता था करती थी करते थे ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसका गलत ट्रांसलेशन है। जो अगर इसी उर्दू में हम पहचान देखें तो अलिफ छोटी है बड़ी है, या अलिफ था अलिफ छोटी है थी अलिफ बड़ी है थी। अब देखें जो करता था करती थी, ऐसा काम जो पास में हुआ वहीं पे खत्म हो गया, आप अब नहीं करते, उसके लिए यूज इस्तेमाल होता है। अब आप यहाँ पे देखो कि करता था करती थी, ये तो पास में हो गया ना, आप कहते हो कि मैं बचपन में पतंग उड़ाया करता था, I used to fly a kite in my childhood. मैं बचपन में टॉफियां खाया करता था। अगर किसी ने भी दूसरा काम किया हो बचपन में वो भी लिख सकता है, उसमें भी यूज टू इस्तेमाल होता है। समझ आ रही है कि वो यूज टू है, ठीक है। इसके लिए जब करता था करती थी काम पास में किया और अब नहीं करते, तब जाके यूज टू इस्तेमाल होता है, तब इसका उर्दू में ये ट्रांसलेशन बन गया, करता था करती थी। हमारे यहाँ पे पास इंडेफिनिट में ये करवाया जाता है कि करता था या करती था, इसका आता है अलिफ छोटी है या बड़ी है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, इसका नेगेटिव बनाते हुए हम डिड नॉट लगाते हैं, सबके साथ डिड नॉट लगता है। पास्ट में थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन होती है जिसमें हम डज नॉट और डू नॉट में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें सबके साथ क्या लगेगा, डिड नॉट। और मैंने एक बात बताई थी कि जब भी सेंटेंस में डिड नॉट डज नॉट और डू नॉट आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की। जब भी सेंटेंस में डू नॉट डज नॉट और डिड नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये देखें कि वो स्कूल गया, सेंटेंस यहाँ पे मुकम्मल हो गया है, गया था इसका मतलब है कि पता नहीं कब गया था, भी हमारा सेंटेंस ठीक है कि वो स्कूल गया, he went to school, सेंटेंस फिगर हो गया पूरा। पास में ना मैंने खाया, आई एट,
ठीक है आई ये टेपल, मैंने एक पल खाया तो पांच जब आपका काम पूरा हो गया ठीक है, तो हमने वर्किंग कौन सी काम लगाई, अब वो स्कूल जाया करता था, इसका मतलब हम नहीं जानते, वो फिर उसकी ट्रांसलेशन कहाँ होगी, यूज टू में होगी, तो इसका इस्तेमाल यूज टू का भी आपको आप पता लग रहा है। जब मैंने कहा कि डिड नॉट लगाएंगे, हमने लगा दिया कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया, डिड नॉट लग गया, तो यहाँ मैंने कंडीशन बताई है कि डिड नॉट के साथ वर्क भी कौन सी फॉर्म, यहाँ वर्क की आपकी फर्स्ट फॉर्म आ गई ठीक है, डिड ही गो टू स्कूल, ये हो गया आपका यूज टू का कांसेप्ट है ठीक है। अब पास्ट कंटीन्यूअस, ऐसा काम जो पास्ट में मुसलसल चलता रहा, जैसे मैंने कहा था ऐसे काम जो फ्रंट ऑफ आइस मिडल ऑफ एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग होते हो, आपकी आंखों के सामने कोई जा रहा है लक्ष्य की आवाज आ रही है, टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है, आगे ना सारी चीजें, आप सुबह से लेके अब तक आप लेक्चर के दरमियान बैठे हो, तो इसकी ट्रांसलेशन जो होगी वो कॉन्टिन्यूस होगी। तो सर ये प्रेजेंट का आपको इज़हार इसमें तब्दील हो जाएगा, वाज़ वर्ब को हम किस में तब्दील कर देंगे, वाज़ वर्ब इज़हार में। अब देखिए हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग अ क्रिकेट, इसके वी वर के बाद नॉट लग जाएगा, अब वर्ब और वाज़ किसके साथ लगेगा वो मैंने सिंपल में आपको बता दिया कि आई ही शी इट और सिंगुलर सिंगुलर के साथ वाज़, और दे यू वर और प्लूरल के साथ क्या लगेगा वर्ब। अच्छा फिर वही चेन एंड चॉइस आती है, अगर आप हुई की जगह क्या लगाते हो ही लगाते हो तो ही के साथ क्या लग जाएगा ठीक है, ही वो भी तुम देगा ठीक है। अब इसमें आता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट ऐसा काम जो पास्ट में मुकम्मल हुआ लेकिन उसका असर है, ये काम पास्ट में हुआ इसका असर खत्म हो गया, लेकिन ये काम जो पास्ट परफेक्ट में ऐसा काम जो पास में हुआ लेकिन उसका असर अभी बाकी है उसकी ट्रांसलेशन इसमें होगी पास्ट परफेक्ट में करते हैं। उर्दू में इसकी पहचान क्या है, चुका था चुकी थी और चुके थे, फार्मूला फार्मूला ये लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अभी बात सुन रहे उसमें प्रेजेंट में जाते हैं, जब प्रेजेंट परफेक्ट में उसमें हैज और हैव का कांसेप्ट है, इसमें सबके साथ क्या लग गया I, we, they, you, he, she, it, plural, singular, सब के साथ है लगेगा। He had gone, वो जा चुका है। He आ गया। Subject had verb की third form was gone, object was gone। ठीक है। He had not gone, वो नहीं गया। He had he gone क्या वो जा चुका था पहले। अब फिर यहाँ पे concept ये आता है कि had का simple इस्तेमाल है। Had, has और have का ये सिंपल इस्तेमाल है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन या एडजेक्टिव, ये भी स्टेट है जी, पोजेशन शो करता है, यहाँ पे आई हैड अ पेन, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है कि मेरे पास एक पेन था, इसमें कोई मेन वर्ब है लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब है आपका, जब भी किसी भी सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो इसका मतलब है कि उसमें मेन वर्ब नहीं है, जीरो एक्शन, आई हैड अ पेन इसमें कौन सा आपका एक्शन है, एक्शन नहीं है, जीरो एक्शन। अब एक बात इसमें ये भी है कि has, have और had as है, नेम वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, यहां लिखते हैं हमने he had ये सेंटेंस ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है, ये जो पहला had है ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है और ये वाला जो had है ये नेम वर्ब यूज हो रहा है, मैंने अभी बताया कि has, have, had as नेम वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, जब आपको किसी की थर्ड फॉर्म ना आ रही हो तो आप हैड लगा सकते हैं, जैसे कि हैज हैड हैड, यहां पे ऐसे मेन वर्ब है ठीक है। अब आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी का इजाफा और सिंस और फॉर, इसका जो फार्मूला है ये उर्दू में इसकी पहचान सेम इसी तरह होती है जो प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस की होती है, लेकिन इसमें टाइम ऐड हो जाता है, यानी कि वो दो घंटे से सो रहा है, अब देखो सो तो रहा है लेकिन टाइम ऐड हो गया, कब से, यानी यहां पे मैंने लिखा है वो सुबह से सो रहा है, सिंस लगा है, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, या यू भी कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस होता है ये दो इनका कॉम्बिनेशन होता है, हैड लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है इनजी का इजाफा हुआ, जो फोर्थ इसमें है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है वो पास्ट
कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का कंबिनेशन है दो चीजों का, लेकिन इसमें टाइम मेंशन आ जाता है। जब इन दोनों में टाइम आ जाता है तो फिर सिंस लगता है या फॉर लगता है। अब सिंस और फॉर किसके साथ लगता है? जब भी कोई स्पेसिफिक टाइम आ जाए, स्पेसिफिक एक टाइम आ गया, जैसे कि वो सुबह से सो रहा है तो हमने सिंस लगाया। फिर हमने दूसरा फिगर बनाया कि शी हैड बीन विद मी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से रो रही है। अब इसमें हमने फॉर क्यों लगाया? कि जब स्पेसिफिक टाइम आ गया, एक एग्जैक्ट टाइम आ गया, उसमें सिंस, जब भी सेकंड, मिनट, घंटा, वीक, मंथ, सेंचुरी, इनसे पहले अगर कोई भी हिस्सा लग गया तो फिर फॉर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये स्पेसिफिक टाइम है 1990, स्पेसिफिक टाइम 200, स्पेसिफिक टाइम। अब इसमें जो फिगरा लग रहा है कि देखो आवर भी लग रहा है और दो भी लग रहा है, घंटे से पहले एक हिंसा लग गया, इसी वजह से हमने किसका इस्तेमाल किया? फॉर का इस्तेमाल किया। अगर स्पेसिफिक टाइम आ गया तो किसका किया? सिंस का इस्तेमाल किया। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि फ्रॉम और टू का, फ्रॉम और टू का। अब हम कहते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं कि वो 1990 से 2000 तक इस मकान में रहा था, 1990 से 2000 तक इस मकान में रहा था, तो इसमें हम फ्रॉम से टू लगता है। He had been living in this house from 1992 to 200. एक टाइम से दूसरे टाइम पे जाने के लिए फ्रॉम और टू का इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है, जब मिनट, सेकंड, घंटा, सेंचुरी, इनसे पहले अगर कोई हिंसा लग जाए तो उसको किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टूड? यस सर।